सूरत कोयली खाड़ीना रिकन्स्ट्रक्शन में अंदाजे 250 झूपड़ानो सर्वे आवास फाड़वाया त्यारबाद डिमोलिशन करवानी रहीशोनी मांग महानगरपालिका द्वारा भाठेना पंचशील नगर कोयली खाड़ीना रिकन्स्ट्रक्शन माटे लाइन दोरी में आवता अंदाजित 250 थी पण वधु झूपड़ाओना सर्वेनी कामगीरी हाथ धराता वैकल्पिक आवासनी मांग उठी छे। तंत्र द्वारा सौ प्रथम असरग्रस्तोने वैकल्पिक आवास फाड़वामां आवे अने त्यारबाद ज तमाम मकानोनुं डिमोलिशन करवामां आवे तेवी मांग साथे लिंबायत झोन कचेरीए मोर्चो मांडी अने प्रतीक धरना करवामां आव्या। आ अंगे कोंग्रेस नेतानी आगेवानी हेठळ लिंबायत झोन कचेरीए लेखितमां आवेदनपत्र पाठवी अने रजूआत करवामां आवी छे। एटलुं ज नहीं, जो आ मांगणी नहीं स्वीकारवामां आवे तो आगामी दिवसोमां कायदाकीय लड़त चलावानी साथे गांधी चिंतिया मार्गे आंदोलन करवानी चीमकी पण उच्चारवामां आवी छे। आज रोज भाठेना पंचशील नगर वसाहतना जे कोयली खाड़ी रिकन्स्ट्रक्शन कार्यनी अंदर लाइन दोरी में आता झूपड़ावासी लिंबायत झोन सूरत महानगरपालिका कचेरी खाते मोर्चो लैने आया है, रजूआत करवाया है। रजूआत एटली है कि अगौ सूरत महानगरपालिका तंत्रए खाड़ी किनारे, नहर किनारे, तापी किनारे के टीपी रोड पर जेटला विकास अर्थे झूपड़ाओं डिमोल्यूशन करू ये तमाम झूपड़ावासियों ने वैकल्पिक आवास तरीके कोसाड़ बेस्तान खाते आवासों की फाळवणी करवामां आवी। ईडब्ल्यूएस आवासों की ए नीति रीति आमने पण ईडब्ल्यूएस आवास की फाळवणी करवी जोईए। सूरत महानगरपालिका की आर्थिक स्थिति खराब होय अने ईडब्ल्यूएस आवास न होय अने एफोर्डेबल हाउसिंग ने लोग व्यवस्था करता होय तो आजे जे ईडब्ल्यूएस आवास आ गरीब श्रमिक परिवारों ने 35,000 के वधु में वधु 70,000 में मळतुं हतुं आजे एफोर्डेबल हाउसिंग मकान 6.5 लाख में मळे छे ने आ गरीब श्रमिक परिवारों ने 6.5 लाख पोसाय नहीं। એકના ડબલ થાય તો સમજ્યા, પણ એકના 10 ગુણા રકમ જો ભરવાની આવે તો કોઈપણ સંજોગોમાં આ લોકોથી ભરપાઈ થઈ શકે એમ નથી। એટલે આ વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ ધ્યાને લઈ સુરત મહાનગરપાલિકાનું તંત્ર માનવતાવિહીન નહીં બનીને પણ માનવતાના ધોરણે પણ આ ગરીબ ઝૂંપડાવાસીઓને વૈકલ્પિક આવાસ તરીકે ઈડબ્લ્યુએસ આવાસની ફાળવણી કરે અને ઈડબ્લ્યુએસ આવાસ ન હોય એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ આપવાની જો